पिछले कुछ आवाज से तो भूटेरा टोल पर गाड़ी छोड़ने की बात को लेकर विवाद हुआ है और विवाद में करनी सेना के कार्यकर्ताओं ने टोल कर्मी के साथ गाली गलौज कर धक्का मुक्की की और ये सारी वारदात घटनास्थल पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। वहीं करनी सेना प्रदेश अध्यक्ष जीवन सिंह शेरपुर ने भी टोल कर्मियों को थाने के बाहर धमकाया, जिसके बाद पुलिस ने अलग अलग मामलों में प्रकरण दर्ज कर तीन लोगों को गिरफ्तार किया है। तो वहीं जीवन सिंह फरार बताया जाता है। अपनी बात जितने बहुत गाड़ी होगी जो की कुर्बानी करी तो गर्म चिखा के बाबू खाया होगा नहीं मारे तुम्हारे कहने में करेंगे क्या हम कि तुम जो बोलो काम करेंगे। आज बोल दिया क्या बोलो आप सुनने ना कान खोल के अपनी बात। नदीम शेख जी उनके साथ में विवाद हुआ और उन्होंने उनको जान से न मारने की धमकी भी दी है। इस संबंध में शासन का काफी सपोर्ट रहा है और उनके खिलाफ भी जो कॉन्ट्रैक्टर है उन्होंने एफआईआर दर्ज कराई है। बिल्कुल अच्छा सहयोग रहा है सर। सीएसपी साहब ने भी पूरी तरीके से सहयोग किया है। थाने लेवल पे भी अच्छा सहयोग रहा है। कोई दिक्कत नहीं।